एक दिन इलेक्शन करेंगे, एक दिन। ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। ब्लूमबर्ग, इनको कहां से डंडा दिया जा रहा है या माल दिया जा रहा है कि 80% जिसका वोट हो वो जेल में बंद हो और आप जो है वो अपने तरीके से खबरें लगाएं। होपलेसली कॉम्प्रोमाइज, वो पावर में रहना चाहते हैं, वो लोगों को सर्व नहीं करना चाहते। चुनाचे वो वाला अशराफिया बुला लिया गया वापस, क्योंकि ये हमेशा जो है वो फिक्स मैच खेलते हैं कि अगर इलेक्शन में थोड़ी सी भी शफाफियत दिखाई गई तो मियां साहब को इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नहायत शर्मिंदा किस्म की हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं और मैं आज आपके सामने जो बात पेश करने लगा हूं वो इस तरह है कि सिर्फ एक दिन इलेक्शन कराया गया, एक दिन, और एक दिन में पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अलग जुबान बोल रहा है और पूरी दुनिया का जो मीडिया आपके बारे में रिपोर्ट कर रहा है वो अलग कर रहा है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि आपका मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है और अंग्रेजी तमाम मीडिया के ऊपर ये लफ्ज चल रहे हैं कि वर्ल्ड मीडिया वर्डिक्ट्स ऑन इलेक्शन 2024 इज लाउड एंड क्लियर, और मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कह रहे हैं is so compromised that none of them are talked about this. So मैं आपके सामने ये अर्ज करने लगा हूँ और चंद खास जो अल्फाज हैं वो मोर और लेस तकरीबन मिलते जुलते हैं और उसके बाद मैं आऊँगा कि पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है। डॉन हो गया, जंग हो गया, आप हैरान होंगे कि 5-6 मेन स्ट्रीम मीडिया की जो खबरें हैं उनके फ्रंट पेजेस सब के सब सेम तस्वीर, सेम खबर, सेम बातें, यानी जहां से ये आ रहे हैं सब ने सेम छापा है। उन्होंने एक दफा भी ये नहीं कोशिश की कि कम से कम टैगलाइन ही चेंज कर लें, हेडलाइंस ही चेंज कर लें, जो यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ पीएम होंगे, यानी इस कदर हठधर्मी है। और उधर अल जजीरा क्या कह रहा है जी, द लेजिटिमेसी ऑफ द फरवरी 8 इलेक्शन हैज बीन क्वेश्चन्ड, हैज बीन क्वेश्चन्ड एज खान इज एब्सेंट फ्रॉम बेलआउट शीट। एक ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है जी, ब्लूमबर्ग कह रहा है पाकिस्तानी यूथ बिग बेकर्स ऑफ द खान, बिग बैकर्स ऑफ द खान एज डिसिल्यूजन अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम एंड काउंसिल ऑन द फॉरेन रिलेशन पाकिस्तान अपकमिंग इलेक्शन दिस वीक हैज ऑलरेडी टर्न इनटू द फर्स्ट वन दैट इज नॉट फ्री और फेयर। उन्होंने कंप्लीटली कह दिया ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। ब्लूमबर्ग FT कहते हैं वन वर्ड टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमरान खान वुड विन बाय एन एब्सोल्यूट लैंडस्लाइड। ये उनके जुमले हैं जी FT के। FT को पूरी दुनिया का मुस्तनद तरीन अखबार है। AP क्या रहे, वोटर्स वंडर इफ न्यू पोल्स विल चेंज अ कंट्री मैड इन पॉलिटिकल फ्यूडिंग। सो अब अंदाजा करें कि ये पूरी दुनिया की जुबान अलग है और आपके कॉम्प्रोमाइज मीडिया की जुबान अलग है। इनको कहां से डंडा दिया जा रहा है या माल दिया जा रहा है, दोनों आप फैसला करेंगे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, सुना रहा हूं। BBC कह रहे हैं कि इट मे लुक लाइक दैट खान हैज बीन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड बट इनसेट पॉलिटिकल डिवीजन अक्रॉस द कंट्री लुक सेट टू डीपन। अब अंदाजा कीजिए कि BBC भी आपके बारे में पार्शियल नहीं हो सकता, कोई भी समझदार आदमी नहीं देख सकता कि 80% जिसका वोट हो वो जेल में बंद हो और आप जो है वो अपने तरीके से खबरें लगाएं और नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर दें इलेक्शन से बहुत पहले, यानी एक दिन इलेक्शन में अभी हो गया है तो आप खबरें ही थोड़ी लेट लगा लेते। गार्डियन कह रहे हैं जी, गार्डियन कह रहे हैं मिलिट्री हैज पुट इट्स फेथ इन फॉर्मर PM फॉर 4 टाइम लीडिंग मैनी टू बिलीव इलेक्शन आउटकम इज ऑलरेडी डिसाइडेड। उन्होंने कहा कि जो 4 दफा उसको 4th दफा वजीर आजम बना रहे हैं तो एक दफा मिलिट्री का दोबारा उन्होंने जिक्र किया है। ये गार्डियन दोबारा जिक्र कर रहा है और वो पाकिस्तान मिलिट्री का मोटा सा नाम ले रहा है। ये अब गार्डियन से पूछना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बारे में वो यही सोचते हैं कि हमारे मैच फिक्स्ड होते हैं और जो डिसाइड करती है वो मिलिट्री करती है एंड दे हैव मेंशन दिस। उसके बाद गैलप कह रहा है, उसके बाद रूसी कह रहा है कि द इलेक्शन इज ऑलरेडी होपलेसली कॉम्प्रोमाइज। इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, इस जुमले के आपके लिए काफी होगा कि उन्होंने कहा होपलेसली कॉम्प्रोमाइज। इतना तो रेड कभी जिंदगी में, तारीख में, पूरी दुनिया में, आप ऐसी जगह पे भी चले जाएं जहां पर बनाना रिपब्लिक होती है वहां पर भी ऐसा नहीं होता जिस तरह का आज हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत लंबी खबर दे रहा है लेकिन वो कहता है कि सुनाना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तानी इलेक्शंस आर मार्क्ड बाय वोट रिगिंग, पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग एंड करप्शन। नो मैटर हु विंस दे इनेविटेबली
disappointed because they are always focused on more on staying in power than serving the people. वो कहते हैं जी वो power में रहना चाहते हैं, वो लोगों को serve नहीं करना चाहते. चुनाचे वो वाला अशराफिया बुला लिया गया वापस, जो कि मुस्तनद क्राफ्ट है. ये मेरे लफ्ज नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स के लफ्ज है. टाइम्स इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कर रहा है. टाइम्स कहता है जी वेरियस ओपिनियन पोल्स पुट खान्स पॉपुलैरिटी अराउंड 60% to 80%. आपने मेरे मुंह से हमेशा 80% सुना है, अब उन्होंने अपना जो सर्वे दिया है, इनका तो सैंपल टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, इनका तो बड़ा मुस्तनद सैंपल टेस्ट है. और उन्होंने कहा कि 60% to 80% एंड threat of the strong showing from the supporters may promote the military to take more decisive action to hobs them and the election as it is set up is already not free not fair. ye lafz bol rahe hain. aur uske baad ek do akhbarat mein ye bhi kaha gaya ki imran khan ne apni galti tasleem karte confess karte hue kaha ki mujhe jab number kam mila tha mujhe election mein मुझे पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे दोबारा इलेक्शंस में जाना चाहिए था और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आना चाहिए था ताकि मैं अवाम के जो एब्सोल्यूट फैसले कर सकता और अवामी फैसले कर सकता. लोगों ने इसको भी अप्रिशिएट किया. आप अंदाजा कीजिए कि ये सारी की सारी खबरों के बाद आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, उस तरह आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ वजीर आजम, ये पाकिस्तान के सारे अखबारात में एक ही खबर है, नवाज शरीफ वजीर आजम अवाम ने फैसला सुना दिया, यानी इलेक्शन से पहले जीत का ऐलान. तीसरी दफा भी आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपने वो मेरे ख्याल में 180H के घर के अंदर वो जो जहां पे सेक्रेटेरिएट बना लिया है अब उसके ऊपर जो है वो उसके बालकनी में आकर पहले ऐलान कर दिया था अपनी जीत का, क्योंकि ये हमेशा जो है वो फिक्स मैच खेलते हैं. तो उसके ऊपर जीत का ऐलान अब तो खैर कमाल ही कर दिया ना. अब तो फैसला वहां से जहाज से जब टिकट लिया था फैसला तब हो चुका था, अब उन्होंने जीत का ऐलान किया. इस इश्तिहार ने खबर और इश्तिहार का फर्क ही मिटा दिया. ये खबर नहीं है, ये इश्तिहार है, खबर है, नहीं समझ आ रही, क्योंकि लिखा हुआ है पीएम नवाज शरीफ. इसे जंग, दुनिया, एक्सप्रेस, डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यानी उर्दू और अंग्रेजी समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े जो छोटे जितने अखबारात में खबर की तरह छापकर ये वाजे पैगाम दे दिया गया कि अगर आपके पास पैसे हों तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं. क्या टीवी चैनल्स, क्या एंकर्स, क्या अखबारात, क्या सहाफी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी भी इश्तिहारों से शुरू होती है और वजीर आजम भी ये इश्तिहारों से ही बन गए हैं, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? ये सारी दुनिया का सवाल यह है कि इललिजिटिमेट कंप्लीट इललिजिटिमेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसको पूरी दुनिया ने रद्द कर दिया है. पाकिस्तान इसे तस्लीम कैसे करेगा? एक इतनी बड़ी पार्टी को 80% अवाम को आप रद्द कर रहे हैं, यानी अवाम को आप इज्जत ही नहीं दे रहे. देयर इज नो डेमोक्रेसी. फिर आप सवाल करते हैं कि डेमोक्रेसी की इज्जत की जाए, तो मैं इस डेमोक्रेसी पे सिर्फ शर्म ही आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कौम के 50-60 अरब इलेक्शन में झोंके जा रहे हैं ये ड्रामा रचाने के लिए. 50-60 अरब इलेक्शन पे झोंके जा रहे हैं, ऐलान तो हो चुका है, बस बिठा दें कुर्सी पर मियां साहब को, वजीर आजम की कुर्सी पर, मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आजम बना दें, वैसे ही जैसे एक चैनल चलाने वाले को पहले निगरान वजीर आला बना दिया गया, फिर इसे उठाकर पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया. और पीसीबी का चेयरमैन इसलिए बनाया गया कि पंजाब में जो पैसे उसने प्रोजेक्ट्स में निकाले या नहीं निकाले, पीसीबी सबसे बड़ी पोजीशन होती है, सबसे ज्यादा पैसा छापने के लिए, याद रखिएगा. या वहां अब बहुत ज्यादा सियाने हो गए हैं, उनको यह भी पता होना चाहिए कि पीसीबी के पास इतना पैसा बनाने की जगह होती है चेयरमैन के पास, जितनी पूरी दुनिया का वजीर आजम बन के भी नहीं मिलते. अगर ऐसे ही बंदरबान करनी है तो फिर इलेक्शन का तरद्दुद क्यों कर रहे हो? पकड़ धक्कड़ क्यों? बैलेट बॉक्स क्यों? वोटिंग क्यों? गिनती और फिर ऐलानात क्यों? जब पहले ही ऐलान कर दिया, ऐसे इम्तिहानात का फायदा, इसका नतीजा पहले ही बताया जा रहा है. अवाम के साथ ऐसा भोंडा मजाक तो तारीख में कभी नहीं किया गया. लेकिन इन सब के बावजूद पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर इलेक्शन में थोड़ी सी भी शफाफियत दिखाई गई, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी दिखाई गई, तो मियां साहब को इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज मिल सकता है. फिर अखबारों के सफों के इश्तिहारात लगे या जो मर्जी लगे, फिर वो मियां साहब का एक ही लफ्ज होगा और वो रोते हुए शायद चले जाएं कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया.